मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर्ड सिवई, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा करके खा सकते हैं, और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो हमने ये दशहरी आम लिया है, इसमें रेसे नहीं होते हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने एक आम को छील करके छोटे टुकड़े में काट करके और इसे पीस करके रख लिया है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल देंगे, एक छोटा चम्मच घी डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। हमने आधा कप सेवई ली है, वैसे तो ये सेवई हमारी भुनी हुई है, लेकिन इसे हल्का सा और भुनेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें। तो इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं। आज को हम स्लो मीडियम पर रखेंगे और इसे चलाते हुए बस 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो सिवई हमारी भून चुकी है और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो ये हमारे पास 250 ग्राम दूध है, इसे मैंने पहले से पका करके रख लिया है अच्छी तरीके से उबाल कर, और फुल क्रीम दूध है, इसमें ऊपर से मलाई भी है। इसे हम डालेंगे, तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। तो सिवई जो है वो ज़्यादा पानी सोख लेती है, तो इसके अंदर हम 1 गिलास दूध और डालेंगे। तो उसी गिलास से मैंने 1 गिलास दूध और ले लिया है और इसके अंदर इसे भी डालेंगे। आप चाहें तो 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी भी डाल सकते हैं और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। तो जब तक सेवई हमारी उबल रही है, हम इधर एक काम और कर लेते हैं। हमने लिया है 1 चम्मच वनीला फ्लेवर कस्टर्ड, अगर आपके पास है जरूर लीजिएगा इसको, इसमें सेवई बहुत टेस्टी बनती है। हमने 1 चम्मच लिया है और इसमें दूध डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे, इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ ना रह जाएं। तो अगर आपके पास ये कस्टर्ड पाउडर नहीं है तब भी आप सिवई को बना सकते हैं, दूध को गाढ़ा कर लें तो भी सिवई हमारी बहुत टेस्टी बनती है। तो सिवई हमारी अच्छी तरीके से उबलने लगी है, मैंने आधा कप सिवई में 1/2 लीटर दूध डाल दिया है। तो अब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे, तो जितना मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप शक्कर डाल सकते हैं। तो हमने 4 बड़े चम्मच शक्कर लिया है और इसे डाल देंगे, इसे मिला देंगे। अब आँच को हम धीमा कर देंगे और धीमी आँच पर हम इसे डालेंगे, जो मैंने कस्टर्ड का घोल बना करके रखा है इसे डाल देंगे। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा डालते हुए बराबर चलाते रहेंगे, इससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े। बस इसे बराबर चलाते रहेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। 5 मिनट तक इसे हम उबालेंगे। तो 5 मिनट मैंने इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं सेवई हमारी कितनी गाढ़ी हो गई है। इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है इसलिए और गाढ़ा हो जाता है और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे इलायची का पाउडर, 5 से 6 इलायची को मैंने छील कर कूट लिया है, इसे डाल देंगे और डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इसे मिला देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। सेवई को थोड़ी सी ठंडी होने देंगे। तो सिवई हमारी ठंडी हो चुकी है, बहुत हल्की सी गर्म है। तो अब हम इसके अंदर आम का पल्प डालेंगे, अगर हम गर्म सिवई में आम का पल्प डाल देंगे तो इसमें दूध होता है तो सिवई हमारी फट जाएगी, इसलिए हमें इसे ठंडा करके तो ही आम का पल्प डालना है। और इसे मिला लेंगे, कितना अच्छा कलर आ गया है सिवई में हमारे, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, अगर आप फ्रिज में रख लेंगे ठंडा हो जाएगा तो भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। 1 से 2 दिन तक आप इसे फ्रिज में रखिए और आराम से खाइए। तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी सिवई हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप 1 गिलास में भरकर आप सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में तो लाजवाब होता है। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता और बादाम डालेंगे। और ऊपर से थोड़े से आम के टुकड़े रखेंगे। तो हमारी बहुत ही टेस्टी मैंगो फ्लेवर्ड सिवई बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी इसे फटाफट बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी ये सिवई कैसी बनी।